नमस्कार, भाग्य की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 7:16 तक रहेगी। आज 12 जून 2024 बुधवार का दिन है। आज मगर नक्षत्र हर्षण योग तथा कौलव करण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन सिंह राशि से रहेगा। आज राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। आज यम घंटक योग प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। व्यापारिक कार्य को करने के लिए आज अमृत की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 7:13 से प्रातः 8:53 तक रहेगा। आज उत्तर तथा पूर्व दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 7:52 से प्रातः 10:10 तक, फिर दोपहर 2:50 से शाम 5:04 तक रहेगा। बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रिडिक्शन की जाती है। आज सूर्य, बृहस्पति व बुध ग्रह का वृष राशि में, चंद्रमा का सिंह राशि में, शुक्र ग्रह का शाम 6:30 के बाद मिथुन राशि में, शनि ग्रह का कुंभ राशि में, राहु ग्रह का मीन राशि में तथा केतु ग्रह का कन्या राशि से संचार हो रहा है। अब देखते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल को। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छे पलों को ला रहा है। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लीवर से संबंधित कोई समस्या दूर हो सकती है। संतान के कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होने के कारण घर में आनंद व उत्साह का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मंदिर में आशीर्वाद लेने जा सकते हैं। लवमेट के साथ संबंधों को शादी में बदलने की संभावनाएं हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन माताजी या मदर इन लॉ को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। ससुराल पक्ष के रिश्तेदार से तनाव हो सकता है। कार्यस्थल पर हुए उच्च अधिकारी से विवाद के कारण नौकरी बदलने का निर्णय शुभ नहीं होगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उज्ज्वल भविष्य को ला रहा है। चंद्रमा के पराक्रम भाव से भ्रमण के कारण आपका मनोबल व उत्साह नेक्स्ट लेवल का रहेगा। छोटे भाई की किसी अर्ध सैन्य बल में जॉब लग सकती है। लवमेट से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को आशा के विपरीत परिणाम मिलेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मधुर पलों को ला रहा है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। टीचिंग से संबंधित टेम्परेरी जॉब स्थायी हो सकती है। शेयर, सोना व वायदा में निवेश करना शुभ रहेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई करने का प्लान उनकी योजना अनुसार आगे बढ़ेगा। पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। दिनचर्या को नियमित व अनुशासित करने के प्रयास सफल होंगे। विद्यार्थियों का मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन हो सकता है। पिताजी के सहयोग से कृषि भूमि को खरीद सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पश्चिम तथा उत्तर दिशा में रहने वाले किसी रिश्तेदार का घर में आगमन हो सकता है। दीर्घकाल में लाभ के लिए शेयर में निवेश करना शुभ रहेगा। अध्ययन तथा शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष अर्थलाभ की संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों का अकाउंट से संबंधित विषयों में एडमिशन लेना शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर पलों को ला रहा है। आज मन में पॉजिटिव विचार आएंगे। सभी कार्यों को उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ बिजनेस का विस्तार हो सकता है। बड़े भाई के सहयोग से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ होंगे। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में
पिताजी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छोटे भाई को ज्यादा संपत्ति दी जा सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑफिस में अधिकारी आपसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कोई सरकारी टेंडर आपके पक्ष में आने की संभावना है। किसी बड़े सरकारी अधिकारी से आज मीटिंग हो सकती है। आज मन का पूरा फोकस ऑफिस के कार्यों में लगा रहेगा। पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य को ठीक करने की दिशा में चल रहा प्रयास जारी रखें। चंद्रमा के भाग भाव से भ्रमण के कारण आज कई क्षेत्रों में आपका भाग्य साथ देगा। किसी इवेंट में एक्टिंग या सिंगिंग से जुड़े फेमस व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विद्यार्थियों का ह्यूमन रिसोर्स व बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी कोर्सों में एडमिशन लेना भविष्य के लिए शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। आज दिन की शुरुआत योग प्राणायाम तथा मेडिटेशन से करें। विचारों में ऑफिस से संबंधित कार्य को लेकर उठापटक हो सकती है। ट्रांसफर के आदेश आ सकते हैं। सार्वजनिक जगह पर किसी वाद विवाद से बचना ठीक रहेगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। पश्चिम दिशा की यात्रा को अवॉइड करें। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सरकारी विभाग में फ्रिज टेलीविजन तथा स्टेशनरी की सप्लाई करने वालों के पक्ष में टेंडर अलॉट हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ चल रही तनातनी खत्म हो सकती है। पार्टनरशिप में चल रहे बिजनेस में बड़े सौदे की संभावना है। राजनीतिक व्यक्तियों को विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन जागरूकता व सावधानी से बिताने का दिन है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना शुभ रहेगा। घर से कोई वस्तु चोरी हो सकती है। घर के बिजली के उपकरण की मेंटेनेंस पर ध्यान देने से आग लगने की संभावनाओं से बचा जा सकता है। मन में चल रहे कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए मेडिटेशन करना उचित रहेगा। अब बात करते हैं आज के वास्तु विज्ञान के बारे में। पंच महाभूत तत्वों सूर्य आकाश जल पृथ्वी वायु को इनकी प्रॉपर जगह पर भवन निर्माण में समायोजित करना वास्तु के अनुरूप रहना माना जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु पूजा प्लॉट या जमीन में कहाँ करना कल्याणकारी होता है। जब सिंह कन्या तुला राशि में सूर्य ग्रह होते हैं तो नैऋत्य कोण में वास्तु पूजा करना शुभ होता है तथा जब वृश्चिक धनु तथा मकर राशि में सूर्य ग्रह होते हैं तो वायव्य कोण में तथा जब कुंभ मीन व मेष राशि में सूर्य ग्रह होते हैं तो ईशान कोण में तथा जब वृष मिथुन व कर्क राशि में गोचरवश सूर्य ग्रह का भ्रमण होता है तो आग्नेय कोण में वास्तु पूजन करना अत्यंत शुभ समृद्धि व ऐश्वर्य को लाने वाला होता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।